तो आइए आज हम बनाते हैं मसाला मटर मशरूम। इसको बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम मशरूम लिया हुआ है। मशरूम इस तरीके से पैकेट में आता है। ये अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो अमेजोन से आप मंगा सकते हैं, इसका लिंक अमेजोन में दिया गया है। इसके लिए हमने ये मटर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही थोड़ा सा लिया है, प्याज टमाटर का पेस्ट लिया हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मटर मशरूम। इसके लिए सबसे पहले इस तरीके से मशरूम को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालते हुए इसको 10 मिनट के लिए भिगो देंगे गर्म पानी में, ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। और जब तक ये भिगो कर रखा है, हम इसके लिए इसमें कढ़ाई में तेल डालते हैं। 2 बड़े चम्मच तेल डाला हमने इसमें। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा। और दालचीनी, तेज पत्ता और जीरा को इस तरीके से अच्छे से चटक जाने देंगे। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और इसको 2 मिनट तक प्याज के पेस्ट को भुनने देंगे। देखिए प्याज का पेस्ट हमारा भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए जब तक हमारा टमाटर प्याज का पेस्ट भुन रहा है, इस तरीके से ये पानी ठंडा हो गया है। अब हम इनका इस तरीके से इसके चाकू की सहायता से इस तरीके से रगड़ते हुए इसका छिक्कल हटा लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप वैसे इसको ऐसे ही काट सकते हैं बिना छिक्कल उतारे, लेकिन इस तरीके से गंदगी इसकी निकाल लेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से गंदगी निकाल कर बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो आप ऐसे भी काट सकते हैं बिना इसका छिक्कल उतारे। तो देखिए इस तरीके खुरच कर हम इसका छिक्कल उतार देंगे तो इसकी सारी गंदगी जो होगी ऊपर लगी रहती है वो निकल जाएगी। देखिए इसको छीलने से कितना फ़र्क पड़ता है, बाकी में कितनी गंदगी लगी है। और इस तरीके से इसको लंबे लंबे पीसेस में हम कट कर लेंगे। आप चाहिए तो बारीक पीसेस कट कर सकते हैं। तो जिस तरीके आपको पसंद हो आप उस तरीके से पीसेस कट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारे छील कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसकी छिक्कल हटाने से कितनी गंदगी हट जा रही है इसकी। बाकी चाहे आप इसको गर्म पानी से धोलिए, चाहे जैसे धोलिए, वो इतना छिक्कल नहीं उतर पाता। तो देखिए इसका छिक्कल और गंदगी कितनी सारी निकली हुई है। और इस तरीके से हमने पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहिए तो इस तरीके से छिक्कल हटा सकते हैं और उसके बाद बनाइए। छिक्कल हटाने के बाद तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब देखिए प्याज टमाटर का पेस्ट हमारा भुन गया है जब तक हमने छिक्कल हटाया उसका। अब हम इसमें हरी मटर डाल देंगे, क्योंकि हरी मटर कच्ची है, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही डाल देंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज कर रहे हैं तो आप मशरूम के साथ ही डाल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें अब हम इसमें डाल देंगे नमक आधा चम्मच। और बाकी का ये जो हमने दही लिया हुआ है, हम बाकी मसाले इस दही में मिक्स करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। अब ये दही हम इसी पेस्ट मसाले के अंदर डाल देंगे और दही डालने के बाद इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा।
तो इस तरीके लगातार चलाते हुए मसाले को भूने। दही डालने के बाद बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए मसाले को, क्योंकि दही अगर फट जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके सारा मसाला हमारा भून कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मटर को गलने तक पका लेंगे ढककर। तो देखिए 2 मिनट तक हमने इसको पका लिया है एक उबाल आने तक। अब हम मटर दबा कर देखेंगे कि मटर हमारी पक गई है या नहीं। तो मटर हमारी पक गई है, 80% पक गई है मटर हमारी, बाकी की मशरूम डालने के बाद पक जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। और मशरूम डाल देंगे लास्ट में। मशरूम डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ता है, सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट तक आप पकाइए इसको। अब देखिए मशरूम डालने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें पानी बहुत कम है, गाढ़ा हो जाएगा, तो आप तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पका लेंगे 3 मिनट तक लगभग। तो ढक्कन लगाकर इसको पका लेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल पक चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। तो पककर तैयार हमारा मटर मशरूम। तो देखिए ये मटर मशरूम हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको हरे धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।